हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी एनटीपीसी ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, जो कि गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वायरीज थी कि मैम एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी जाती है, क्या रैंक लानी चाहिए जिसमें सिलेक्शन मिल जाए। तो हम इसी के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो गेट 2023 के वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग उस टाइम क्या कट ऑफ गई थी, क्या रैंक के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्शन हुआ था, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लो रैंक में भी उनको एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर अगर हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें गेट 2023 के बेसिस पे जो आई थी, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी 120 थी, जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 56, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 32, एससी की 18 और एसटी की 10 थी। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 200 थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की 80, सिविल की 30 और माइनिंग की 65 थी। वहीं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज कितनी थी। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी, कितने रैंक पे उनको सिलेक्शन मिल गया था। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 392 रैंक पर भी उन्हें एनटीपीसी में सिलेक्शन मिल गया था। वहीं आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में 3834 एसटी की कट ऑफ यहाँ पे गई थी रैंक के अकॉर्डिंग, यानी इतनी रैंक पर भी उनको सिलेक्शन मिल गया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लो गेट स्कोर पे भी वहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन मिला है, रैंक कम रैंक पे भी यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन मिला है। उनकी राउंड वन में कुछ वैकेंसीज रह गई थी, इस वजह से उन्होंने राउंड टू में यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ निकाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 592 रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कितने कम रैंक पे बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मिला है, 3302 इंस्ट्रूमेंटेशन की एससी कैटेगरी में गई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लो गेट स्कोर, लो गेट रैंक पे यहाँ पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिला हुआ है। वहाँ पे भी कुछ राउंड टू में भी कुछ वैकेंसीज वैकेंट रह चुकी थी, तो यहाँ पे इन्होंने राउंड थ्री अभी रिसेंटली निकाला है। तो आप यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रही, वहाँ पर भी आपको टेबल मिल जाएगी। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की 994 रैंक पे भी इन्होंने सिलेक्शन लिया है। यहीं इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए आप, यहाँ पर एसटी कैटेगरी की 3302 रैंक पे भी इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। तो ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको देख रखा है कि वैकेंसीज डिटेल कितनी थी, कितना कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे एनटीपीसी का, कितना अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी उस टाइम 2023 में, इन्होंने राउंड थ्री का भी अभी रिसेंटली निकाला हुआ है। तो गेट 2025 आप जो भी अपीयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये एनटीपीसी की जो अपकमिंग जो वैकेंसीज होंगी वो फिल आउट होंगी। तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहे, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।